कार में पेट्रोल भराने के दौरान जमकर पेट्रोल पंप पर हंगामा हुआ है। कस्टमर ने आरोप लगाया था कि पेट्रोल कम दिया जा रहा है, जिसके बाद यह हंगामा इस कदर बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर ये मामला कंट्रोल हो पाया। दरअसल ये पूरा मामला भिवंडी के बागे फिरदोस पेट्रोल पंप का है। जोगेश्वरी के रहने वाले अजहर ढाबे पर खाना खाने के बाद पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अपने कार में 35 लीटर पेट्रोल भरवाया। टंकी फुल न होने पर उन्होंने 40 लीटर पेट्रोल और भरवाया, जिस पर अजहर ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर आरोप लगाया कि पेट्रोल कम दिया है। उनके कार की टंकी 37 लीटर की है तो 40 लीटर पेट्रोल उनकी कार में कैसे आ गया। अब ये मामला इतना तूल पकड़ लिया कि पेट्रोल पंप पर काफ़ी भीड़ हो गई और पेट्रोल पंप के मालिक और मैनेजर से दोबारा कार से पेट्रोल निकाल कर मापने के लिए कहा गया। कार से जब पेट्रोल निकाला गया और दोबारा मापा गया तो ये पेट्रोल 52 लीटर निकला, यानी कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मापने में कोई गड़बड़ी नहीं की और सही मात्रा में पेट्रोल दिया था। वहीं पेट्रोल भराने वाले कस्टमर अजहर ने अपनी गलती मानी और उनसे उन्हें कहा कि गलत फहमी हुई थी कि टंकी 37 लीटर की है, मगर पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं की है, उन्हें सही मात्रा में पेट्रोल दिया था। इस पूरे मामले के बाद पेट्रोल पंप के मालिक और कस्टमर अजहर ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। सर सबसे पहले तो आपने नाम बताइए और पेट्रोल पंप का नाम बताइए और यहाँ पर क्या वाक्य पेश आया वो बताइए। हफीज ऑटो सर्विस शकील अहमद अंसारी, यहाँ पे लोग आए आगे भराइए I-20 में भरा इन्होंने तो 35 लीटर भरा तो फुल नहीं हुआ तो बोला और भरो तो 4.5 लीटर और आया तो ये 39 लीटर आया, 39 लीटर आया, बोला ये आया कैसे, हमारा जो है गाड़ी का कैपेसिटी 37 है और जब निकलवा के जब नापा गया तो 40 के ऊपर चला गया, यानी कि 52 लीटर का चला गया ये इनकी गाड़ी। तो उन्होंने कहा हाँ भाई हमसे गलती हुई है, समझ में आ रही थी, इनको हमने सब चीज़ दिखा के बतला के नाप के दे दिए, एकदम ओके हो गया, एकदम क्लियर हो गई बात। हम लोग आए थे पेट्रोल बनाने के लिए हम लोग आए थे, हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारी टाकी 37 लीटर की है जो हम लोग को ऑनलाइन बता रहा था, तो इसलिए हमने उनको पूछे कि पेट्रोल इतना ज़्यादा कैसे जा रहा है, टाकी इतनी कम है, तो उन्होंने बोले नहीं इतना ही हुआ, तो उन्होंने बोले मैं आपको चेक कराता हूँ, तो हम लोगों ने चेक करे तो आपने जो डाले थे वो सही था, उसके अंदर निकला हम लोग की गलत थी, आपने 40 डाले, मैं आपको जैसा बोल रहा था मेरा 11 रिजर्व है, मेरा 11 रिजर्व ही निकला 51 निकला, जो भी आपका भिवंडी पे पेट्रोल पंप है उधर पे चीज से मेरा नाम अजय है, मेरा नाम अजय है, आप कहाँ से हैं? जोगेश्वरी से आया, भिवंडी में खाना खाने के लिए आया, पेट्रोल खत्म होने आया था ढाबा में, दिल्ली दरबार ढाबा में, यहाँ पे आके पेट्रोल भराया, खाना खाने के बाद हम लोग घर पे जा रहे थे, मुझे बाहर कहीं जाना, क्योंकि मुझसे पहले कोई और आके लफड़ा कर रहा था इधर पे, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी टाकी 37 लीटर की ही है, मैंने किसी से क्रॉस भी किया तो उसने बोला नहीं आपकी टाकी 37 लीटर की है, तो मैंने पेट्रोल पंप पे पूछा उनको, तो उन्होंने मेरे को इतना ही बोला कि आप जाके मैं आपको करके देता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे करके दो, वो उन्होंने सामने से बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो मैंने गाड़ी लगाया, उतने में मीडिया किसने बुलाया, भीड़ कहाँ से आ गई है मुझे थोड़ी ना पता है, उन्होंने चेक करवाया, मैंने बोला ठीक है चेक करो, मैं भी सेटिस्फाई हुआ वो भी सेटिस्फाई हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ मानते हैं कि यहाँ पे गलतियाँ आपकी हैं, गलतियाँ की सवाल ही नहीं है, गलत फहमी का सवाल है सर, गलत फहमी हुई, हाँ मेरी गलती, रिजल्ट क्या आया वो बताइए, वो सही थे पेट्रोल पंप वाले सही थे, उन्होंने जो पेट्रोल डाला था प्रॉपर डाला था, उनकी रिपीटेशन का कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। ओके थैंक यू।